इस वीडियो में समझने वाले हैं, जैसा कि आप इस पृथ्वी का चित्र देख रहे हैं, तो इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था और इस पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतुओं का निर्माण कैसे हुआ था और मनुष्य का इस पृथ्वी पर क्रमिक विकास कैसे हुआ है, इस चीज को समझने वाले हैं। तो इस चीज को समझने के लिए जाना पड़ेगा आज से 4.5 अरब साल पहले, यानी 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसा दिखता था। उस समय इस पृथ्वी जो है आग का गोला था। तो फिर क्या होता है कि इसको ठंडा होने में अरबों साल का समय लगता है। तो फिर अरबों साल का समय लगता है, जब ठंडा होता है तो इतना ठंडा हो जाता है कि इसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और पूरा पृथ्वी बर्फ से ढक जाता है। इस तरह से पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका हुआ है। ऐसा है कि क्लाइमेट में चेंजिंग आता है और थोड़ा सा इन्वायरमेंट हॉट होता है, गर्म होता है, पर समुद्र का निर्माण होता है। जैसा कि आपको पता है कि इस पृथ्वी पर 71% में समुद्र है, 29 यानी 29% भूमि है। तो भी क्या होता है कि जब समुद्र का निर्माण हुआ तो पहली बार समुद्र में पानी में, सबसे धरती पर अगर पहला जीव अगर पनपा तो पानी में पनपा, पानी से ही फिर धरती पर आया। तो फिर जीवन लायक ये जो पृथ्वी बन चुका था और अनेक प्रकार के जीव जो था और पेड़ पौधे धरती पर उगना शुरू हुआ। ये प्रक्रिया लगभग आज से 3.5 अरब साल पहले की बात है। अच्छा, उस समय जो स्पेसिस था उसका संख्या कितना था? स्पेसिस था वो 1,00,000 करोड़ स्पेसिस था, जिसमें से 1,00,000 करोड़ स्पेसिस में से एक स्पेसिस इंसान, जो कि आज पूरी पृथ्वी पर कब्जा किया हुआ है। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो कि 1,00,000 करोड़ स्पेसिस में से सबसे श्रेष्ठ है। तो खैर, अब चलते हैं, इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। हाँ, फिर क्या होता है कि इस तरह से फिर बहुत बड़े बड़े जीव जंतुओं का भी निर्माण हुआ, जिसमें क्या था, डायनासोर वगैरह आया। और जब एक बार क्या होता है कि एस्ट्रॉइड आके पृथ्वी से टकराता है और पूरा पृथ्वी पर भूकंप आता है, तूफान आता है और सारे जीव मारा जाता है। उसके बाद फिर नए तरीके से जीवन पर अपना शुरू होता है।